रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मोदी सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम। अंतिम संस्कार के पहले जब शहीद जवान औरंगजेब के पिता मोहम्मद हनीफ से मिलने सेना के अफसर उसके घर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा, मेरा एक बेटा शहीद हो गया लेकिन बड़ा बेटा अभी फौज में है, हम सब कुर्बान हो जाएंगे। आतंकियों द्वारा बेटे की हत्या पर अपने आक्रोश को दबा पाने में असमर्थ पिता ने कहा कि मैं सरकार को 72 घंटे का मौका देता हूं वरना मैं खुद बदला लूंगा। शहीद के पिता ने तो यह भी कहा कि कुछ नेता सत्ता के लिए जवानों को मरवा रहे हैं, सबसे पहले इनको कश्मीर से बाहर करो। ईद की छुट्टी पर अपने घर जा रहे सेना के जवान औरंगजेब का आतंकवादियों ने पहले पुलवामा के कालमपोरा से अपहरण किया, उनको टॉर्चर किया और फिर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ईद के इस मौके पर पहुंच के रहने वाले औरंगजेब के पैतृक गांव सैलानी में लोगों के अंदर एक अजीब तरह की खामोशी आ गई है। अंदर ही अंदर सभी उबल रहे हैं। उनकी मां ने आतंकियों से कहा था कि वे अपने बेटे के साथ ईद मनाना चाहती हैं पर आतंकियों को इससे कोई मतलब नहीं, आखिरकार उन्होंने औरंगजेब को गोलियों से छलनी करके ही छोड़ा। ज्ञात हो कि औरंगजेब के चाचा को भी 2004 में आतंकवादियों ने मार डाला था। औरंगजेब कुल 6 भाई थे, औरंगजेब और एक भाई सेना में जबकि बाकी 4 पढ़ रहे हैं। औरंगजेब के पिता खुद सेना से रिटायर हुए हैं। औरंगजेब 4 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के शादी मार्ग स्थित 44 राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे। अधिकारियों के अनुसार गुरुवार 14 जून सुबह करीब 9 बजे यूनिट के सैनिकों ने एक कार को रोककर चालक से औरंगजेब को शोपियां तक छोड़ने को कहा। आतंकवादियों ने उस वाहन को कालमपोरा में रोका था और जवान का अपहरण कर लिया। भारतीय खुफिया एजेंसी के अनुसार कश्मीर में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ISI भारत के शांति प्रयासों को आतंकी हमलों के हवाले करने में लगी है। जवान औरंगजेब की हत्या इसी साजिश के तहत ISI ने की और जिस तरीके से बीते गुरुवार 14 जून को औरंगजेब की हत्या की गई, औरंगजेब की हत्या के पीछे सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि लोगों को, खास तौर पर युवाओं को डराया जाए ताकि वे सेना में शामिल न हों। पर उसे यह पता नहीं कि हिंदुस्तानी किस मिट्टी के बने हुए हैं। गूगल इमेज ईद खत्म हो गई डॉट अब अकात हो तो कोई पाकिस्तानी या कोई आतंकी यह साबित करे कि उसने अपनी मां का दूध पिया है। कहां गई नामर्दों की सेना, कहां गए ये नामर्द पत्थरबाज़।